दुनिया में इतना दुख है ना, बता नहीं सकता। अब पूछोगे आप लोग क्यों, पूछ मैं क्यों भाई, कितना भी बंदा है उधर देख ले, एक मेरे बद्दी नहीं है, पता नहीं कहाँ है। हेलो जी, राम राम सारे, की हाल चाल है, आई होप सारे बढ़िया ही हो गए। तो कहते कि बढ़िया रहो। तो कहते जैसे ही मैं सुबह खड़ा हुआ तो कहते मैंने क्या देखा पता है, तो कहते अभी सुबह के टाइम की बात की जाए तो कहते 12 बज रहे, कहते सुबह नहीं है लेकिन फिर भी 12 बज रहे। तो कहते बहुत ही ज़्यादा बारिश तेज हो रही है। मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको अपने पीछे का पूरा व्यू दिखा दूँ बारिश के मौसम में, और मैंने ये सोचा क्यों ना आज ब्लॉग भी बना लूँ एक बारिश के मौसम में। तो चलो कहते पहले मैं आपको इधर का जो सामने बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है ये दिखाऊंगा, और उसके बाद कहते मैं शाम के टाइम पर थोड़ा बाहर जाऊँगा, सारा का सारा व्यू आपको मैं दिखाऊंगा। तो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो गाइस अभी बारिश हो रही है, आराम से देखो थोड़ा, ये देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है गाइस, है ना। तो चलो फिर थोड़ा बाहर चलता हूँ जाके, मैं आपको बाहर का पूरा व्यू दिखाता हूँ जाके पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो रहा है। पीछे नाला देख सकते हो आप, कितना ज़्यादा पीछे बड़ा नाला आना है, एक तो बढ़िया व्यू आ रहा है गाइस, बारिश भी बहुत ज़्यादा आ रही है मेरे ऊपर आ रही है। तो बारिश देख लो पीछे का व्यू, कुछ ऐसा मेरे ऊपर भी बारिश बहुत ही ज़्यादा आ रही है, फिर भी आपको पूरे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ शूट ना है। ये देखो मेरे पीछे का जो व्यू है कुछ इस तरह का है, लेकिन अभी मैं आपको बाहर जाके भी दिखाऊंगा पूरा का पूरा लाइव शो। तो गाइस ये रही अपने थार। तो दोस्तों आपने हमारे थार तो देख ली, अभी आपको हम अपने दूसरे वाले कलेक्शन दिखाते हैं, हमारे पास कितनी बस और गाड़ियाँ हैं वो देखने के बाद मैं एक बात आपको बोलूंगा। उससे पहले आप एक बार ये गाड़ियों को नजर मार लो, सब सीडी ऐसा है कि इतनी प्रॉपर्टी और इतनी गाड़ियों के कलेक्शन होने के बाद मैं ये बात बोलूंगा कि चार चवन्नी घोड़े पे अबानी सर क्या बोलती है पब्लिक। तो गाइस सिर्फ कुछ ऐसा है कि अभी हो गई है बारिश एकदम पूरी खत्म, और टाइम की बात करें तो गाइस चार हो गया है, मतलब कल रात से बारिश लगी और अभी तक चार हो गए। तो मैंने सुबह एक क्लिप बना के छोड़ी थी, मैं सोच रहा था कि जैसे बारिश खत्म होगी वैसे भी बाहर जाऊंगा, लेकिन सुबह तक कब जाके बारिश खत्म हुई। तो चलो अभी चलते हैं बाहर, तो बाहर का बारिश में कैसा माहौल हुआ है वो आपको मैं सारा का सारा इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो अब आप लोग देख सकते हो कि ये हमारा कॉलेज है, अभी हम रूम के बाहर आ चुके हैं। तो ये अपना जो पीछे पूरा बैकग्राउंड देख रहे हो, पूरा ग्राउंड है जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है, बैडमिंटन, फुटबॉल, एक्स्ट्रा जितने भी ज़्यादा जहाँ पे है ना, सारा का सारा जहाँ पे खेला जाता है। पीछे कुछ देख सकते हो इतना बड़ा कॉलेज है यहाँ पे, तो एकदम गिल्ला हो चुका है क्योंकि कल से बारिश हो रही थी और आज शाम के 4 बज गए और अब जाके बारिश रुकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूँ कि कैसा माहौल बनना है। जग्गी भाई तू क्यों परेशान है हा? भाई यार मैं सोच रहा कोई रेशी नहीं मिल जाती, पता नहीं कब मिलेगी। तो फाइनली गाइस अभी हम कॉलेज के बाहर आ चुके हो, जो मैंने आपको दिखा रहा था गाइस बारिश में क्या तबाही हुई है उधर भी मैं पहुंच चुका हूँ। तो चलो गाइस ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि जो बाढ़ बताओ जो कितनी ज़्यादा बारिश हुई है, पूरा का पूरा सीन मैं आपको इधर दिखाऊंगा। ये देखो गाइस इतनी ज़्यादा बारिश हुई और इतना ज़्यादा नाला हो रहा है, और ये देखो ये एकदम कॉलेज के साथ है हमारे, ये देखो ये बताओ ये अंदर हमारा कॉलेज है, और ये देखो ये इधर नाला है, ये देखो बताओ इतना ज़्यादा पानी है। ये देखो अब मैं आपको पूरा दिखाता हूँ पीछे तक, और जब बताओ जो आगे पुल है ना, पुल को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा थोड़ा इस तरफ से, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा मैं आपको एकदम, और साथ में एक बंदे से मैं आपको और भी मिलाऊँगा अभी सप्लाई से समझ लो। ये देखो भाई कितना ज़्यादा पानी आ रहा है ना, और अभी मैं आपको मिलाऊँगा। 1 2 3 भाई कल से बारिश हो रही है उसका क्या असर पड़ा है इधर मारकंडे के ऊपर, पुल के ऊपर। तो मैं कैमरामैन को थोड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे थोड़ा का व्यू दिखाए नीचे कितने जोर से बारिश आ रही है, कितने जोर से नहीं। मेरे हिसाब से रात को पानी इधर से भी आया होगा, तुझे क्या लगता है? हाँ भाई आया होगा, पक्का आया होगा भाई, पानी की स्पीड से देख के मैं 100% बोल सकता हूँ पानी पक्का आया होगा भाई। अगर भाई इसमें बदन नहाने के लिए चले जाए फिर? हाँ फिर तो डूब जाएगा भैया। तो भाई साहब इधर में जैसे ही आया तो मुझे एक भैया मिले, मेरा भैया को मैंने बोला कि क्वेश्चन पूछ लो, तो भैया ने बोला मुझे क्वेश्चन पूछ लो, अगर भैया ने इसका आंसर दे दिया तो भाई 50 रुपये नाम, 50 रुपये इनाम, और नहीं मिलेगा तो अगर क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं हुआ तो भाई क्वेश्चन दूंगा। तो चलो क्वेश्चन भैया को मैं पूछता हूँ। तो भाई क्वेश्चन ये कि ऐसे कौन सी चीज़ है लड़का थोड़ा सा करने में थक जाता है लेकिन लड़की बोलती है और करो अभी तो मेरा शुरू हुआ है, ऐसी क्या चीज़ है? मतलब लड़का तो मेरे पास थक जाता है लेकिन लड़की बोलती है कि अभी कैसे थक गया तू, अभी तो मैंने शुरू किया था अभी और कर दू। बोलना ना भाई मजा नहीं आया भाई साहब, ऐसा क्वेश्चन है तुझे पता है मुझे पता है सभी को पता है
उधर कैमरा घुमा, तू भी बता भाई। आप में से किसी को पता हो तो कृपया करके बता दीजिए। नहीं पता इनको। तो भाई अर्थ इसका ये कि ये होती है शॉपिंग भाई। बड़ा हरामी हो। चलो भाई कोई पता नहीं था। दोस्तों अभी मैं आपको कुछ ऐसा चीज दिखाऊंगा और ध्यान से सुनना आप कि मैं उसको क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि ये पीछे आप देख सकते हो ना, ये बेल है हमारे, एक जहाँ पे एक उधर भी है। तो भाई ये ऐसा क्यों है पता है? क्योंकि जब हमारे पास ट्रैक्टर नहीं थे, हम लोग इसके साथ घर में काम करते थे है ना, तो लोगों को जैसे जैसे लोगों का पैसा आया है, लोगों ने इसको घर से बाहर निकाल दिया। ऐसा क्यों हुआ है भाई बताओ? तो कृपया करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं करो, अपने देश को सुधारो। ये बेचारे देखो बारिश में इधर बैठे हैं, वो जब इनका काम होता है तब उसको घर में ले जाते हैं, काम खत्म होता है घर से बाहर निकाल देते हैं। भाई साहब बहुत गलत बात है। तो दोस्तों सही रहता है कि जहाँ पे पानी में फंस चुके हैं, देख लो हमारे चारों ओर जहाँ पे एकदम पानी पानी, और ये देखो यही जहाँ पे प्यार मोहब्बत एकदम जायज हो रही है, तो बारिश का पानी गए देख लो आप। जहाँ पे मैंने आपको एकदम नीचे आके दिखाया हूँ, लेकिन मैं अभी सेंटर पे मतलब साइड पे खड़ा हूँ। वो ये देखो भाई मछली पकड़ दो, वो मछली पकड़ ले मछली, वो मछली। तो ये देखो गाइस पानी की स्पीड देख सकते हो आप। ये रहे हमारे आज के युवक जो पानी से इतना डरते हैं क्या बताएं, आ नहीं रहे इतने से मतलब। ओ चक्की डूब गया, ओ चक्की डूब गया, पानी बहुत खतरनाक आ रहा है, देख सकते हो आप पानी की लहरें देख सकते हो एकदम खतरनाक। अभी जग्गी को लेने चलते हैं। बहुत ही मुश्किल से बचा इधर में, कस्सा हो गया था पानी में। एक अपनी बद्दी के लिए सरप्राइज है, और जब लोग मेरी बद्दी देखेगी तो स्पेशल उसके लिए। आई लव यू मेरी क्यूटी भाई। देख सकते हो मारखंडा नीचे पुल पे आए थे, और नीचे की हस्ती आप देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा पानी और बहुत ही तेज पानी चल रहा है यहाँ पर। वह क्या सीन है? तो गाइस सीन अब कुछ ऐसा है कि मानो कि हमारा ब्लॉग तो फाइनल हो चुका है, उससे पहले हमने थोड़ी सी फोटोग्राफी करनी है। तो सामने देख लो सैंडी भाई खड़ा है। सैंडी भाई को अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अगर सैंडी भाई का सही से आंसर दे देगा तो सैंडी भाई को मैं 100 रुपए इनाम दूंगा है ना। सैंडी भाई इधर देख, सभी देखो सैंडी भाई, तुझे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अगर तुमने उसका सही आंसर दे दिया तो ये 100 रुपए या 200 रुपए इनाम दूंगा। तो भाई तेरे में ऐसी कौन सी चीज है जो चीज तो तेरी है लेकिन कोई और जूस करता है, तू उसको जूस नहीं करता। चीज तो तेरी है लेकिन तू उसको जूस नहीं करता, कभी कभी जूस करता है महीने में या दिन में, तू तो करता ही नहीं जूस। जूस चीज तेरी है लेकिन जूस कोई और करता है। सर भाई तुझे पता होगा, बता फिर मैं बताता हूँ। टाइम मिलेगा तुझे 10 घंट का, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। 1 2 3 4 5 6 नहीं पता, मैं बताता हूँ। तो गैस वो चीज है, वो इसका नाम सदैव। अरे बस कर, बुलाएगा क्या? शर्मा सैडी भाई, देखो भाई मैं आपको बताता हूँ, पूछो कैसे, इसका नाम है सैडी। ये खुद थोड़ी बोलेगा मेरा नाम सैडी है, बेटे बोला सैडी भाई, ये तो बोलेगा नहीं कि मेरा नाम सैडी है। तो गाइस बात कुछ ऐसी है, कैसी है वो पीछे देखो बात ऐसी है गाइस, ब्लॉग हो चुका है खत्म, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो करना लाइक, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा भाई, बोल तो कैसा लगा। चलते चलते बाय बाय। जी करदा कपताना हां दे जलसे ते नचले नु मेरा अज जी करदा।